नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक, ऐसी चीज बताऊंगा कि आपको आपके भविष्य में होने वाली पत्नी या प्रेमिका, दोनों में से कोई भी, जिसका भी आप स्मरण करोगे कि मुझे प्रेमिका के बारे में पूछना है तो प्रेमिका के बारे में पता चल जाएगा, और पत्नी के बारे में पूछोगे तो पत्नी के बारे में पता चल जाएगा। आपकी पत्नी या प्रेमिका कौन होगी, क्या नाम होगा, उसका आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा वो हम आज बात करेंगे। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी हमारे, वो गड़बड़ भी हम आपको पहले बता देते हैं कि क्या गड़बड़ हुई थी इस मंत्र में। और चलो उसको सुन लेते हैं क्या गड़बड़ हुई थी। हमारे एक जानकार थे तो एक बार पूछ रहे थे कि कमल जी, आपको ऐसा टोटका, ऐसा मंत्र जानते हो क्या जिससे हम अपने होने वाले, आने वाले जीवन में जो पत्नी आएगी घर में, उसका हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन आएगी, क्या नाम होगा। कहा बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो मैंने उनको तरीका बता दिया, उन्होंने काम किया, उनको नाम सामने आ गए, ये नाम है और इस नाम की आपके पत्नी होगी, इस नाम की पत्नी होगी। मेरे पास आए, बोले यार कमल जी, तो वास्तव में जोरदार है, हमारा तो नाम का पता चल गया कि ये नाम होगा। तो उन्होंने वो जो नाम होगा, वो नाम था लाजवती, लाजवती नाम आया था, लाजवती, ठीक है, लाजवती नाम आया था। उस नाम को हमने लिख लिया, उसने लिख लिया, एकदम प्रूवेट करके रखा कि यही नाम होगा, देखते हैं आपके साथ क्या होता है। समय बीता, 4-6 महीने हुए, उनकी सगाई हुई, तो नाम तो ये था नहीं, नाम तो उनका और कुछ था। लाजवती जो नाम आया था, ये लाजवती दूर दूर तक कहीं नहीं था। सगाई हो गई, सब कुछ हो गया, अब वो मेरे पास आए, बोले कमल जी, आपने तो जो बातें बताई थी उसमें हमको जो नाम पता चला था वो नाम तो लाजवती था, इसका तो दूर दूर तक नाम नहीं है लाजवती। शादी हो गई, शादी के बाद उन्होंने पूछा कि तुम्हारे बचपन का नाम तो लाजवती नहीं है, बोले नहीं, हमारे तो खानदान में किसी का नाम लाजवती नहीं है, मेरा नाम तो अंकिता फंकिता कुछ ऐसा कुछ नाम था, उस नाम बता दी, मेरा नाम तो ये है। तो बड़ी गड़बड़ हो गई, उन्होंने कहा कि ऐसे गड़बड़ कैसे हुआ। उनका ये पता नहीं यार, गड़बड़ कैसे हुआ, लेकिन जो लाजवती नाम आया है तो फिर देखो भगवान ने जैसा तुमको दिया है तो लाजवती नाम लिखा हुआ है, लिखा हुआ पड़ा है, ये बात हुई नहीं, सफल हुई नहीं। कुछ समय बाद में क्या हुआ, उसका तलाक हो गया, और अब क्या है, तलाक हो गया तो भाई को लड़की दूसरी मिल नहीं रही है, तलाक तो हो गया और लड़की लेके पैसा भी चली गई, काफी पैसा भी चला गया, लड़की भी चली गई और अब दूसरी लड़की मिल नहीं रही है। तो क्या है, मरुस्थल में एक गांव है, उस गांव में क्या है, एक छोड़ी हुई लड़की थी। छोड़ी हुई का मतलब, आप जैसे पहले एक शादी हो चुकी थी, उसको छोड़ दिया था, वो लड़की थी। उस लड़की से उन्होंने कहा कि ये लड़की है, आप देख लो, गरीब घर की लड़की है और पैसा भी आपको दे करके ले जाना पड़ेगा शादी करके, इनके पास तो पैसा शादी का भी नहीं है। तो उन्होंने 50,000 रुपया जो भी सेटिंग कर करा करके उस लड़की को लेके आए, तो लड़की से पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो बोला लाजवती। अरे ये क्या हुआ, लाजवती मतलब, तो मेरे पास आए, बोले यार ये चमत्कार कैसे हुआ, ये क्या बात क्या है। लड़की जो पहले नाम, पहले शादी जिससे हुई थी उसका नाम तो अंकिता था, अब जिससे शादी हुई उसका नाम लाजवती है, और जो मेरे ध्यान में आया था वो नाम लाजवती है, मतलब जो आपके साथ लंबे टाइम तक रहेगी और अच्छी तरह से घर गृहस्थी चलाएगी, सिर्फ उसी लड़की का नाम आएगा। आप अगर मुझ पर ब्लेम कर दोगे कि ये नाम है यार, इस नाम की लड़की नहीं आई, तो उसका कोई नहीं है, इसका मतलब है कि आपके जीवन में फिर कोई लड़की आने वाली है। इसमें क्या है, तंत्र में हमारे एक अलसुर नाम की शक्ति है, चंड अलसुर का उपयोग 3-4 कामों में विशेष किया जाता है। तो किसी की दुकान कैसे ही नहीं चलती, भट्टा बैठ गया हो, हालत खराब हो गई हो, दुकान चल नहीं रही हो, उस समय अलसुर का जो मंत्र है उसका काम शुरू होता है। और अलसुर ऐसा काम करता है कि दुकान को आपके उठा करके और एकदम चलाना शुरू कर देता है, ग्राहकों की दुकान में लाइन लगवा देता है, और फिर आप पर है कि आप दुकान को कैसे हैंडल करते हैं। अगर अच्छे से हैंडल करना आपको आता है, खाली ग्राहक नहीं है, तो ग्राहक लाने का काम चंड अलसुर का है, वो आपके दुकान को ग्राहक से भर देगा। एक दूसरी बात है कि जो भविष्य से संबंधित कुछ बातें होती है ना, त्रिकालदर्शी जो लोग होते हैं, त्रिकालदर्शी लोगों में हमने इस चंड अलसुर पर काम किया, तो त्रिकालदर्शी जो लोग होते हैं, त्रिकालदर्शिता में चंड अलसुर कई बातें ऐसी बताता है जो भविष्य में एकदम सच होने वाली है। और तीसरी बात चंड अलसुर की है कि चंड अलसुर का जो मंत्र है,
वो ये बता देता है कि आपके जीवन में आपका जो हमसफर है, ये जो मैंने वीडियो में लिखा है ना, अपनी प्रेमिका या पत्नी के बारे में पहले पता चल, ये तो भाइयों को रिझाने के लिए लिखा है। मतलब क्या है, मेरे वीडियो को भाई लोग ज़्यादा देखते हैं, माताएं बहनें कम देखती है, तो क्या है भाइयों से संबंधित पहले लिखना पड़ता है। तो भाई आराम से देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं, हाँ ठीक है, हम अपनी पत्नी के बारे में, प्रेमिका के बारे में जान लेते हैं। लेकिन ये पत्नी प्रेमिका नहीं, पति और प्रेमी के बारे में भी जान सकते हैं। इस उपाय से माताएं बहनें भी इस उपाय को कर सकती है, वो भी अपने पति और प्रेमी के बारे में जान सकती है। क्या करना है, ये उपाय आपको करना है, एक तांबे का कड़ा होना चाहिए आपके पास। तांबे का कड़ा अच्छी तरह से धो धुला करके, साफ करके, रेत वेत से मांझ के, चमका के, उसमें जितना शाइनिंग फुल रहेगा, जितना चमकता रहेगा, उतना बढ़िया रहेगा। अब ऐसा तांबे का कड़ा आपको एक प्लेट में रख करके पहले उसकी पूजा करनी। इस तांबे के कड़े में ही अलसुर पैदा होगा, ध्यान रखना। तांबे के कड़े की चंड अलसुर के नाम से पूजा करनी है। पूजा क्या मतलब, धूप चढ़ा दिया, दीप चढ़ा दिया, नहला दिया, उसको पानी डाल दिया, ऊपर मोली डाल दी, कुमकुम डाल दिया, रोल डाल दी, चावल डाल दिया, जैसे आप दैनिक पूजा करते हो भगवान की, वैसे पूजा उसकी करनी। पूजा करने के बाद में वो एक शक्तिशाली चीज़ हो जाती है, उसको इफेक्टिव हो जाती है, उसमें ऊर्जा दौड़ने लगती है। अब क्या करना है आपको, रात सोते समय जो हकीक होता है ना, हकीक पत्थर की माला, हकीक पत्थर की माला से तीन माला आज जो मैं मंत्र बताऊँ उस मंत्र की आपको जपनी है। जबकि फिर अपने तकिए के नीचे इस कड़े को देकर के आप सो जाओ। इस कड़े को देकर के सो जाओगे और प्रेमिका को लक्ष्य करके कहा है, और यदि वास्तव में आपके जीवन में प्रेमिका आने वाली है तो प्रेमिका से संबंधित पूरा नाम स्पष्ट आपके सपने में आ जाएगा कि ये नाम आपकी पत्नी का, प्रेमिका का होगा। और अगर प्रेमिका आनी ही नहीं है तो पूरा ब्लैंक रहेगा, कोई नाम नहीं आएगा, ऐसे उलझुल के सपने आके रह जाएंगे। लेकिन अगर एक दिन में अगर आपके पास ये नाम नहीं आया तो आपको तीन दिन लगातार करना है। ये उपाय कोई भी चतुर्दशी, जो अमावस्या से पहले की चतुर्दशी आती है उस दिन से ही शुरू होता है, उसी दिन करना पड़ता है। यदि उस दिन नहीं आया आपके, उस दिन रात सपने में आपके नाम नहीं आए, तो आपको अमावस्या को करना है, फिर एकम को भी करना है। तीन दिनों में नाम नहीं आया, इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में प्रेमिका कोई आने वाली है नहीं, बस यूँ टाइम पास, कोई इक्का दुक्का टाइम के लिए आ जाएगी, काम खत्म। वो कोई प्रेमिका नहीं कहलाती, वो ऐसे टाइम पास। प्रेमिका उसे कहते हैं जिसका दिल आपके ही नाम से धड़के, वो प्रेमिका होती है। जो रात सोए तो आप देखो, रात दिन जागे तो आप देखो, बस आप ही आप देखो। और प्रेमी वो होता है जिसकी, जैसे प्रेमिका होती है वैसे प्रेमी है कि आपकी ही सकल सूरत उसके दिल में बसी हुई होती है, आपके अलावा और कोई दुनिया उसकी दुनिया ही नहीं है, आपकी आप ही उसकी दुनिया हो, तो उसे प्रेमी कहते हैं। सच्चा प्रेमी, सच्ची प्रेमिका या लंबी लंबी लेंथ में चलने वाली, कई दिनों तक, एक लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहने वाली जो पत्नी होगी, उसी का नाम आपके उसमें सपने में आएगा। तो चंड अलसुर का इस प्रकार से तीन माला आप जाप करेंगे तो आप इस जाप से अपनी पत्नी या प्रेमिका का, जिसका लक्ष्य करके आप कहेंगे, तो वो नाम आपके आ जाएगा। तो अब आपको मैं चंड अलसुर का मंत्र बता देता हूं। चंड अलसुर हाम हूप जाम, चंड अलसुर हाम हूफ जाम, चंड अलसुर हाम हूफ जाम। इससे पहले चंड अलसुर से प्रार्थना करनी पड़ती है, हे चंड अलसुर कृपा करके हमें हमारी प्रेमिका या प्रेमी या पति या प्रेमिका, जो भी आप बोलते हैं पत्नी, उसका नाम हमें रात सपने में बताओ। तो इसके बाद में जो मैंने मंत्र बताया उस मंत्र का आप जाप करो, तीन माला हकीक की जाप करना है। जाप करने के बाद में आप सो जाओ, और सोने के बाद में एक रात में है ना, आप खाना मत खाना, रात में कोई लिक्विड तो ले सकते हो लेकिन भोजन नहीं लेना, इस बात का ख्याल रखना है। ये जो साधना है, इस साधना में रात में भोजन नहीं लिया जाता, यानी कि आप शाम से पहले पहले भोजन ले लिया तो ले लिया, शाम हो गई भोजन नहीं ले सकते, किसी प्रकार का अन्न नहीं ले सकते, खाने की कोई भी चीज़ नहीं ले सकते, सिर्फ पानी ले सकते हो, दूध ले सकते हो, चाय ले सकते हो, बस खाने की कोई चीज़ नहीं ले सकते, इस बात का ख्याल रखना। उसके बाद में आपको आपकी प्रेमिका का नाम, पत्नी का नाम, पति का नाम, प्रेमी का नाम आराम से पता चल जाएगा। और पता चल जाए तो आप वीडियो में ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण मित्रों।